जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिंट योर थिंक में। आज हम सीखेंगे कि GST बिल का फॉर्मेट कोरल ड्रॉ में कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट में, उसके बाद ऑल प्रोग्राम और उसके बाद कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ ओपन कर लेंगे। हाँ, खुल गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू पेज ले लेंगे। यहाँ पे जाएंगे फाइल में, न्यू करेंगे, ओके करेंगे, ये न्यू पेज आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ राइट एंगल पे, ये जो राइट एंगल है इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। ये राइट एंगल इस पे पेपर का साइज का आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा इंच में है, मेज़रमेंट यूनिट्स जो है इंच में, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे 7.5 और यहाँ करेंगे 9.5। इंटर दबाएंगे, उसके बाद पी दबाएंगे। पी दबाने से वो बीच में सेंटर पॉइंट में पेज के आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और आने के बाद अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे टैक्स रिटेल इनवॉइस। इसको कंट्रोल लेकर सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और इसका साइज कर लेंगे हम लोग 12। उसके बाद इसके नीचे अंडरलाइन डालेंगे और इसको ये इसको सेलेक्ट करके उसके बाद हम लोग शिफ्ट के साथ ये जो हम लोग राइट एंगल ये इस पर क्लिक करेंगे और सी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, इसके सेंटर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और ऊपर कर लेते हैं, सटा देते हैं लगभग। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसके नीचे लिखेंगे जो भी इसका शॉप का नाम है वो नाम लिखेंगे। जैसे अभी हम लोग लिख देते हैं अपना ही कंपनी का नाम लिख देते हैं, अपनी ही यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही लिख देते हैं, प्रिंट योर थिंक। ठीक है, और इसमें जो अंडरलाइन आ रहा है ये हटा लेते हैं यहाँ से, अंडरलाइन से। उसके बाद हम लोग इसका साइज ले लेते हैं करीबन 18 लेके देखते हैं। ठीक है, और इसका फॉन्ट को चेंज करके थोड़ा सा अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं, खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं खींच कर। ये हम शिफ्ट के साथ कोना पकड़ के खींच रहे हैं तो ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, हो गया। फिर वही करेंगे हम लोग, सेलेक्टेड है, फिर शिफ्ट के साथ ये ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे और सी दबाएंगे, सेंटर में आ गया। अच्छा, ये हो गया। अब फिर हम लोग ये जो टेक्स्ट रिटेल इनवॉइस है ये टेक्स्ट को कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और उसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे और लाने के बाद इसके ऊपर हम लोग जो बिल में GST का जो नंबर होता है वो लिखते हैं। जैसे लिखते हैं GSTIN, उसके बाद ये बिंदु लगा लिए और यहाँ पे ऐसे रख लिए। ये अंडरलाइन आ रहा है, इसको हटा लेते हैं और जो भी GST का नंबर होगा वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, हम लोग नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास नहीं है। फिर इधर हम लोग आते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर MOB जो भी नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसका फॉन्ट साइज ले लेते हैं 12 और इस पर लिख देते हैं, जैसे कि लिख दिए जो भी कोई एड्रेस हो
रामनगर, अपर बाजार, ठीक है। इसके बाद फिर इसको हम लोग शिफ्ट के साथ ब्रैकेट जो राइट एंगल है उसको सेलेक्ट करते हैं और सी दबाते हैं, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक यहाँ से एक राइट एंगल लेते हैं, राइट एंगल लेने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं डी, और इसको भी यहाँ पे खींच लेते हैं, और ये थोड़ा इसके यहाँ थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे, ये टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे कि रिवर्स चार्ज फैक्टर इनवॉइस नंबर, एंटर, इनवॉइस इनवॉइस डेट इंटर, उसके बाद स्टेट, इससे आगे जाएंगे थोड़ा सा आगे कोड, ठीक है। ये सेव टूल से इस यहाँ पे पकड़ के हम लोग थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, ये थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। जैसे जैसे टेक्स्ट आते जाता है एडजस्टमेंट करते जाते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है ट्रांसफोर मोड, उसके बाद व्हीकल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ सप्लाई, उसके नीचे प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ये दोनों लाइन को थोड़ा एक साथ दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और राइट एंगल हम लोग ले लेते हैं, इस राइट एंगल को कॉपी कर लीजिए और फिर उसी जगह पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से पकड़ के नीचे लाते हैं, नीचे लाने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग एकदम से यहाँ से सटा देंगे, ठीक है। इसका मोटाई जो है यहाँ से आकर के एक पीटी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लकीर लेंगे, लाइन स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको खींचेंगे तो यहाँ एकदम से सीधा आएगा, ठीक है। इसका भी ये जो है वन पीटी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे बीच में एक लकीर और डाल देंगे लाइन, जो एक पीटी का रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट टूल लेंगे यहाँ से और टेक्स्ट लिख देंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं 12 साइज में। उसके बाद हम लिखते हैं
details of receiver, receiver. उसके बाद build बिल्ड टू, उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग सेंटर में रख लेते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं फिर से कंट्रोल डी से और इसको उठा के लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लाने के बाद इसको लिख देते हैं डिटेल्स ऑफ कौन सी उसके बाद लिखते हैं सिप टू, ठीक है ये हो गया। उसके बाद हम लोग इस लाइन को फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये वाला लाइन कंट्रोल डी, उसके बाद इसको ले आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, और ये वाला स्ट्रेट लाइन को फिर खींच के नीचे ले आते हैं, सॉरी के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर ले रहे हैं टेक्स्ट को, यहाँ से रखते हैं और यहाँ से लिखते हैं जैसे कि नेम एड्रेस स्टेट जीएसटीन, यहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं और डब्बे टाइप के भी बना सकते हैं, से खींच लेते हैं, उसके बाद इसको फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं एक इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, और उसके बाद इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा रहता है एक थोड़ा छोटा रहता है, के बाद आपका फिर हम लोग आते हैं इसका एक और लाइन का डुप्लीकेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको लेकर के नीचे आते हैं, ये थोड़ा जगह ऊपर में है तो इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लाइन डालना शुरू करते हैं, सबसे पहले एक लाइन और नीचे रख लेते हैं, ये दो लाइन हम लोग डुप्लीकेट करके इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ नीचे ले यहाँ पे, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा कम बेसी ऊपर नीचे हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, के बाद इसको डुप्लीकेट एक लाइन यहाँ उठा के जाते हैं और लिखते ही जाते हैं तो सही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 12 कर लेते हैं SL
नेम ऑफ, ये साइज बड़ा हो गया है, इसको लो छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये साइज हम लोग थोड़ा 10 साइज का कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं एच एस एन कोड, ठीक है। एक लाइन को फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ से इसके बगल में लगा देते हैं। उसके बाद फिर एक डुप्लीकेट ले लेते हैं यहाँ पे, इसको डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ लिखते हैं QTY, यानी कि क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद एक और ये लकीर को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको यहाँ भी लगा लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग रेट, रेट। उसके बाद उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से एक और डुप्लीकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लगा देते हैं, इसमें लिखना है अमाउंट, अमाउंट। उसके बाद फिर डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट, यानी कि DISC शॉर्ट, जिसका मतलब होता है डिस्काउंट। उसके बाद इसको फिर हम लोग डुप्लीकेट करते हैं एक और लाइन को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, लिख दिए। इस वाले खाने को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। अब हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं पहले, जैसे हम लोग को एक और लिखना है यहाँ पे टोटल, टोटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारा कुछ लिखा लिखा गया है, अब ये सबको एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ से ये हो गया, इसको पकड़ के यहाँ ले आए, उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ ले आए, यहाँ आ गया। जिसको जितना एडजस्टमेंट चाहिए उतना उतना एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ये वाले को यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखना रहता है, तो जगह यहाँ पे चाहिए, थोड़ा जगह अच्छा चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे मैनेज कर लेते हैं।
थोड़ा सा पकड़ के नीचे ले आते हैं, यहाँ पर भी ठीक है, इसको भी नीचे कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन क्या करें, बनाना तो पूरा पड़ेगा ही। ये सब पेशेंस पेशेंस की चीज़ है। एक बार फॉर्मेट आप अगर बना लेते हैं तो फिर आपके पास जितना भी काम आता जाएगा, बस इसके ऊपर जो है सिर्फ ये कर दे रहा है, बस नाम ऊपर वाले चेंज करने हैं और उस पर बस डिज़ाइन बनता ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग टोटल, यहाँ पे लिखना है टोटल टोटल ठीक है, इसको पकड़ के थोड़ा सा हम लोग और ऊपर करेंगे क्योंकि जगह का दिक्कत होगा। ये लाइंस जो आ रहे हैं उनको हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा सबको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पकड़ के ये हम लोग ऊपर ले आते हैं। देखिए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से सॉरी ये वाले जो लाइन है इसको डुप्लीकेट करेंगे और हम लोग को ये लाइन और डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लाइन को पकड़ के हम लोग को छोटा कर देना है। ठीक है, और यहाँ से ये वाले लाइन जो है ये वाला, इसको पकड़ के हम लोग को यहाँ तक लाना है। ठीक है, ले आए। ठीक है, और ये वाला जो है ये लाइन को नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 10 फोल्ड करते हैं और लिखते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग इसके साथ ही लिखते हैं मीटर एड CGST, उसके बाद ऐसे करेंगे परसेंटेज लगाएंगे, प्रिंटर ऐड SGST, परसेंटेज, उसके बाद लिखेंगे ऐड IGST, परसेंटेज, उसके बाद इंटर टोटल टोटल टैक्स, इंटर टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स, इंटर GST ऑन रिवर्स चार्ज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सेफ टूल से इसको पकड़ के हम लोग इसको फैला देंगे कि जहाँ तक जा सकता है उसका डब्बा हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग हमारे पास जगह है
तो इसको थोड़ा सा हम लोग और ऊपर करेंगे, जैसे जैसे एडजस्टमेंट मांगेगा हम लोग इसको करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और एक लाइन और यहाँ से जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये आपका सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, इसे इसे, और उठा के ऊपर कर लेते हैं। इसको पकड़ के ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट ऑल करने के बाद लिख देते हैं टोटल इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक है, इंटर। उसके बाद हम लोग इससे सेव टूल से इसको फैला लेते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसका हम लोग डुप्लीकेट ले लेते हैं और सॉरी, और इसको यहाँ ले आते हैं, इसको और ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो भी यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन, वो लिख देते हैं। तो अभी हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे नंबर दे देते हैं, सबके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो अपने हिसाब से जो लिखवाना चाहते हैं वो लोग लिखवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से छोड़ देते हैं यहाँ पे, और फिर हम लोग यहाँ पे एक डुप्लीकेट ले लेते हैं इसका वर्ड का, इसका मतलब है कि वर्ड, एक वर्ड हमको चाहिए यहाँ लिखने के लिए, जिसमें हम लिखेंगे फोर योर, ठीक, जो कंपनी का नाम या संस्था का नाम होता है वो लिख देंगे। उसके बाद उसके नीचे लिख देंगे ऑथोराइज सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ से एक इंटर मार देते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ गया है पेज से ये, क्योंकि ये हमारा जो है ये मेरा प्रिंटिंग एरिया है, तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ये देखिए आ गया यहाँ पे, तो कुछ जगह यहाँ पे और मिल गया हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आ गए। और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं और इसको थोड़ा सा और उठा लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। इसका हम लोग थोड़ा सा लाइन जो है पतला ही रखे थे, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इसको हम लोग एक कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा मोटा लाइन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल बन चुका है, और सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से भी बिल में फेरबदल हो मतलब होता रहता है, ठीक है। जो पार्टी जैसा डिमांड करते हैं हम लोग वैसा उस तरह का डिज़ाइन बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये
इसके बटन पे क्लिक करते हैं और हमारा फाइल जहाँ भी रहता है रखना चाहते हैं वहाँ सेव कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं GSTB, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। ठीक है, F9 प्रेस करके हम लोग पूरा कैसा बना है वो हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह का हमारा बन गया है। ठीक है, अगर हल्का फुल्का कुछ मिस्टेक हुआ हो तो वो तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ से सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो सब जगह ठीक ही बना है। इतना पेशेंस से देखने के लिए, इतना ध्यान से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं प्रिंट से रिलेटेड, जैसे कि विजिटिंग कार्ड, पंपलेट्स वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, या फ्लैक्स का डिज़ाइन। इस तरह के डिज़ाइन हम आपको आगे भी वीडियो में बताते रहेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।